मंदसौर जिले के ग्राम राकोदा में किसान नागेश्वर पाटीदार ने अपनी 5 बीघा खेत में बोई गई सोयाबीन की फसल को नष्ट कर दिया। वहीं किसान नागेश्वर पाटीदार ने बताया कि हमने बड़े उत्साहपूर्वक सोयाबीन की फसल लगाई थी और अभी तक 25,000 रुपये से अधिक लागत लगा चुका हूँ, लेकिन सोयाबीन की फसल में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आ गई, दूसरी ओर पैदावारी कम होने लगी, साथ ही सोयाबीन के भाव भी लागत मूल्य से कम मिल रहा है, जिसके चलते 5 बीघा खेत में बोई गई सोयाबीन की फसल पर अपनी मर्जी से रोटावेटर ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट कर दी। किसान नागेश्वर पाटीदार ने बताया कि अब पूरा खेत खाली हो गई है जिसमें अजवाइन की फसल लगाऊंगा। वहीं किसान नागेश्वर पाटीदार ने कहा कि सभी किसानों को वही फसल बोनी चाहिए जिसमें घाटा ना हो। Star 24 News मंदसौर। नागेश्वर जी बताइए, आपने जब अपनी 5-6 बीघा जमीन पर सोयाबीन की फसल उगाई थी और इतनी मेहनत और इतना खर्चा करने लागत लगाने के बाद भी आपने नष्ट कर दी, रोटावेटर कर दिया, क्या कारण? सर सबसे पहला कारण तो यह है कि जिस टाइम मैंने फसल लगाई उस टाइम पर बाजार मूल्य 4500-4700 रुपये के आसपास थे और आज के बाजार मूल्य में काफ़ी गिरावट आई है। इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब फसल अपन काट के मंडी तक लाएंगे तो और बाजार नीचे जाएगा। इसी सोच के कारण मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अपने को घाटे का सौदा है बैठ रहा है। तो अभी तक आप इसमें कितनी लागत लगा चुके? इसमें 20,000-25,000 रुपये की लागत अभी तक 5 बीघे में लगा चुका हूँ और 20,000-25,000 रुपये के लगभग और लागत फसल कटाई तक लगनी है। तकरीबन 5 बीघे में 45,000-50,000 रुपये का खर्चा आता है। यदि आपने जो फसल की हकाई की उस जमीन में कितनी पैदावार मानते हो? 2.5 क्विंटल से 3 क्विंटल के लगभग औसत होती है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या सोयाबीन का रकबा धीरे धीरे हर किसान के कम होने लग गया है और प्राकृतिक आपदा वगैरह बहुत सारे कारण रहते हैं। बाद में भी अपन फसल रखते हैं और उसका उचित दाम मुझे नहीं लगता कि मेरे को उचित दाम मिलता, इस कारण से मेरे मर्जी से मेरी स्वेच्छा से मैंने फसल पर रोटावेटर चला के हकाई कर दी ताकि मैं 15 सितंबर के बाद में आगामी एक फसल थोड़ी व्यवस्थित ले सकूं जिसका मुझे उचित दाम मिल सके। तो कहीं ना कहीं तो आपको तो नुकसान ही हुआ है फिलहाल देखा जाए। नुकसान तो अभी तक मेरे को 25,000 रुपये का हुआ है। यदि मैं इसके 25,000 को लेके अभी और खर्चा लगाता तो 25,000 और लगाना पड़ता और 12.5 क्विंटल यदि टोटल सोयाबीन होती 5 बीघे की 12.5-13 क्विंटल और 3,3500 बिकती तो 45,000 रुपये के आसपास मेरे पास आते हैं। तो कहीं कहीं 5-7,000 रुपये का नुकसान मेरे को फिर भी होता। इससे तो अच्छा है कि कम से कम अपनी ज़मीन की उर्वरक शक्ति तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि सोयाबीन तिलहन में आती है और आगे आगामी फसल में भी कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होता। तो मैं चाहता हूँ कि एक फसल हो और वो भी थोड़े मुनाफे वाली हो जाए तो ठीक है। तो इस स्थान पर क्या फसल लगाना चाहिए? 15 सितंबर बाद विचार करेंगे। मेरा अजवाइन लगाने का विचार है, यदि अजवाइन का थोड़ा रहेगा तो अजवाइन लगाएंगे। नहीं कहता हूँ, लेकिन किसानों से मैं सिर्फ एक ही निवेदन करता हूँ कि कौन सी भी फसल लगाएं तो कम से कम अपन किसान ये तय कर लें कि अपने कितना खर्चा लगा रहे हैं, उसमें कितनी आमदनी हो रही है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि सोयाबीन में नुकसान खा लेते हैं, उड़द में फायदा होता तो उड़द की फसल का पैसा इधर से उधर कर देते हैं, लहसुन का पैसा अच्छा आ रहा है अभी मार्केट अच्छा है तो उस पैसे से का खर्चा उसमें कर लेते हैं, तो वो मैनेजमेंट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस खेत में जो फसल लगा रहे हैं उसमें कितनी उपज हो रही है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नफा नुकसान हो रहा है, वो सोच समझ के सभी किसानों को अपने विवेक से काम करना चाहिए, मेरी तो ये राय है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नागेश्वर पाटीदार, ग्राम राकोदा, तहसील ललोदा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश।